दोस्तों ये दिब्बा हो गई हैं, अब इनको इमरजेंसी दिब्बा करें। छाया और माया दोनों, हाँ जी, छाया और माया दोनों दिब्बा हो गई हैं। ये देखें, ये कसाई भाई हुए हैं, इनको इनकी खाल वगैरह उतार रहे हैं। ये देखें दोनों दिब्बा हो गए हैं, तो आगे हम आपको दिखा नहीं सकते, आपके ये बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हैं, जो मतलब वीडियो में हम नहीं दिला सकते आपको। ये देखें बेचारे ये दिब्बा हो चुकी हैं। शीमी अकेली बच गई है, और हसनैन भाई ने कहा है कि मैं यहाँ पर आया हूँ, तो तभी छाया और माया दोनों की गिरी हुई थी, तो उनको पता नहीं यार दोस्तों नज़र लगी है, पता नहीं क्या, उसने कहा यहीं पर गिरी हुई थी, तो फौरन फिर वो भाई कसाई को लेकर आए हैं। फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे, मैं तो काम करने गया हुआ था, और मैं जब आया हूँ उस टाइम दोस्तों, उस टाइम तक वो बेचारों का काम तमाम हो चुका था, और कसाई भाई आए हुए थे, उन्होंने उनको ज़िबा कर चुके थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों? आज बहुत ही अफसोस हुआ हमारे मिनी ज़ू में कि बहुत ही सैड न्यूज़ है दोस्तों, बेचारे छाया और माया हमारे मिनी ज़ू को छोड़ कर चली गई हैं। उन बेचारों को अचानक पता नहीं क्या हुआ यार, वो उनको कोई नज़र लग गई है, पता नहीं क्या, इतनी क्यूट तो थी यार दोस्तों, बहुत ही दुख हुआ यार दोस्तों, बेचारी इस दुनिया से चली गई, उनको वो मरने वाली थी। हसनैन भाई बता रहे थे, हसनैन भाई क्या हुआ था इतना इमरजेंसी, आपने कसाई को बुलवाना पड़ गया? पता नहीं कुछ ऐसी चीज़ खाई है, वो नीचे गिर गए, पता नहीं क्या हो गया, फिर कसाई को बुलाया है। यार हसनैन भाई मुझे तो ऐसे लगता है यार, कहीं उन्होंने कोई टुकड़े वगैरह तो नहीं खा लिए, वो जो मैंने रात लेकर आया था। हाँ वही खा लिए यार, वो मैंने वो ये खल में भिगाने के लिए ले आया था टुकड़े, वो मुझे लगता है रात उसने उन्होंने यहाँ से, ये देखिए यहाँ पर खाली पड़ा हुआ है, वहीं मुझे लगता है वो टुकड़े हुए, वो रोटी के सूखे टुकड़े थे, वो वहीं खा गई है बेचारे, बेचारे दोनों बीमार हो गई थी, इस ये समझदार बनी है, इसने नहीं खाया शीमी ने, और दोनों छाया और माया बेचारी चली गई हैं, वो बेचारों को ज़िबा करना पड़ गया है। तो अब हम सोच रहे हैं उसकी खैरियत कर दें, क्योंकि वो बेचारे अब यार हमने कहा है हराम होने से तो बेहतर हम उनको ज़िबा कर दें, तो जल्दी जल्दी से कसाई भाई को बुलाया है हसनैन भाई ने, तो उनको फ़ौरन ज़िबा के मैं जब आया हूँ दोस्तों, तो यार वो बेचारे ज़िबा हो चुकी थी, मैं तो यार परेशान हो गया, मैंने कहा यार ये क्या हो गया है यार, मुझे तो समझ नहीं आई ये हो क्या रहा है, हमारे दरवाजे के आगे बेचारे दोनों ज़िबा हुए, यार ये हमारी छाया माया है, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था दोस्तों, बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि हमारी छाया माया चली गई है यार, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ दोस्तों, बस अब अल्लाह की रजा है, जैसे मतलब वो होना था हो गया। ये देखें दोस्तों, हमारे बड़े डॉम ने मेरे ख्याल में दो अंडे दे दिए होंगे, अभी दो अंडे या एक, नहीं ये भी साथ की तरह नहीं देता। ये देखें दोस्तों, ये देखें, ये ढोलू और भोलू को बंद कर दिया, ये इधर सुरंग बनाते जा रहे थे, हमने कहा किसी पड़ोसियों के घर न चले जाए, ये देखें ये सुरंग बना रहे थे वहां पर, यार छोड़ दो कोई बात नहीं, इनको सुरंग बनाने दो, मैं कहता हूँ उसने, हाँ कुछ नहीं होता, देखा जाएगा, जिनका अलहदा घर बनाते हैं यहाँ पर हसनैन भाई, तो मैं तो कहता हूँ यार इधर आपने जो कहा नहीं था प्यारा प्यारा सा घर बनाने का, फिर इधर मिट्टी बहुत सारी आएगी, मिट्टी ले आएंगे वो, एक मैं मंगवाऊंगा, रेडी मंगवा लूंगा, तो इसको भी सेट कर लेंगे, और इधर भी वो उनका घर बनाएंगे प्यारा सा एक, हाँ फिर इनका घर बनेगा। हाँ ये देखिए, ये हमारे बेंगलीज का घर है जिसके अंदर लव बर्ड घुस जाते हैं, और ये हमारे फिंच का घर है, इन बेचारों के तो अंडे टूट गए थे इसलिए ये बैठे हुए हैं। तो दोस्तों बस यार आज का बहुत ही सैड न्यूज़ है, बहुत ही सैड न्यूज़ है, बस इनको आपने खाना खिला दिया है? खाना सुबह खिलाया, वो दवाई पिला रहे हो साथ साथ? हाँ। यार उसका पानी खत्म हो गया, वो देखो उसका वो डब्बा नीचे उल्टा हुआ है, देखे यार इसको पानी रखो, पानी और भरो, शीमी ने भी खाना है, पीना है पानी, और इन्होंने भी और परिंदे ने भी प्यासे होंगे यार, इनका पानी का बहुत ध्यान किया करो, गर्मी है, और ये फ्योना का भी पानी बार बार चेक कर लिया करो, इनका मुस्तकिल पानी रखा रहे, ये देखो फ्योना का भी अब पानी नहीं है, आप ऐसे करो पानी भरा हो फिर उसके बाद नमाज पढ़ने चले जाओ, नमाज का टाइम हो गया है। ये देखें बेचारी शीमी अब फिर से हमारी मिनी ज़ू में अकेली बच गई है दोस्तों, शीमी आप परेशान ना हो, हम आपके लिए कोई और बकरी लेकर आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि शीमी अकेली नहीं रहेगी यहाँ, हमने शीमी के लिए कोई और लेना पड़ेगा साथ में, जो हो उसका सहारा, कोई और अच्छी सी बकरी ले आएंगे शीमी के लिए, बेचारी अकेली बच गई, अब खा भी रही है, उदास भी है, कितना शोर करेगी अब तो फिर से दोस्तों, बेचारी अकेली बच गई है, ठहरो ठहरो बस कुछ नहीं होता,
बेचारी अकेली रह गई है। अच्छा आपकी उनके साथ वैसे बनती तो नहीं थी, आप तो हर वक्त उनको मारती थी। अच्छा हो गया आपके लिए चली गई हैं वो, आपने उनके ऊपर बहुत जुल्म किया था, बहुत जुल्म किया था। दोस्तों शिमी अब अकेली बची हुई है, जगह खाना खा रही है शिमी, बुरी बात अंदर से नहीं निकलते, ये वाला खाओ वो देखो ढोलू बोलू खा रहे हैं। अब ये हम उसका डबल लगा रहे हैं, क्या नाम है इसको, क्या कहते हैं यार, लव बर्ड के लिए, लव बर्ड के लिए डबल लगा रहे हैं। ये हर वक्त बेंगलीज के घर में चले जाते थे, बेंगलीज ने कब्जा किया हुआ था फिंच के घर का, अभी इनके घर में कब्जा कर रहे थे, ये एक दूसरे का घर कब्जा करते हैं। हमने कहा अब इनका भी घर अलग लगा देते हैं, या देखो जहां पर अच्छा लगे वहीं पर लगाना। मैं कहता हूँ इसको यहाँ लगा दो यार, तो वो वाला मैं कबूतर को ले आओ। हाँ वो कल जुमा मंडी जाऊंगा वहीं से ले आऊंगा यार, ये इस तरह से यहाँ से लगेगा नहीं नहीं हाँ ये बिल्कुल सही है, सही है यार, ये सही नहीं लग रहा। ये वाला लव बर्ड है ना, हाँ ये वाला बीमार हो गया, इसको तो मजाक कर दो, इसकी आंख ख्याल करो वो वहां से याद कर रही है। नहीं यार ये आजाद करेंगे, ये तो नहीं यार ये आजाद कर दूंगा, ये तो वैसे गिर जाएगा, बिल्ली क्या हो जाएगा, ऊंचा कर इसको आजाद नहीं करते, बस यही सही है। हां यार इसको आजाद कर दो, नहीं नहीं यार यहां पर सही है, ये बेचारा आजाद होकर कहां जाएगा, नहीं यहीं पे बैठा रहेगा दरख्त पर, नहीं यार ये गिर जाएगा, पंखे वगैरह खा जाएंगे। हाँ और परिंदे कोई चील वगैरह या बिल्ली कुछ ना कुछ इसको खा जाएगी, उससे बेस्ट है कि यहीं पर सही है, सेव है अभी। इसको ले और इसका ये पीछे कील लगाना पड़ेगा। दोस्तों ये देखो दूसरा डब्बा भी लग गया है, और ये हमारे लव बर्ड बैठे हुए हैं, और ये अपने जगह के ऊपर लव बर्ड बैठ गए हैं, एक ऊपर बैठा हुआ है ये देख रहा है अब इसके अंदर जाने के लिए। तो ये देखें, तो ये देखें दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल शहर में विलेज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी के लिए हमें दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।